यहाँ पर बहुत ही सुंदर कृष्णानंदन प्रभु ने वृंदावन के बारे में बताया और श्रीमद सिंह जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है वह आकाश ऊपर जो श्रीमद भागवतम के अंदर दसवें स्कंध के अंदर बारहवें अध्याय के अंदर इसका बहुत ही विस्तृत रूप में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन है। प्रसंग इस प्रकार से है कि यह जो कथा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज को श्री ऋषि मुनि के द्वारा श्राप मिला था कि उनको 7 दिन के बाद उनकी तक्षक नाम के कारण मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने डिसाइड किया, नारद मुनि ने उनको बताया कि आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। जो मनासन व्यक्ति मनासन अवस्था में जो है जिसकी मृत्यु नजदीक है तो उनको अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज अपने आचरण से दिखा रहे हैं। कथा जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ की तो कथा करते करते 4 दिन बीत गए थे और 4-4 दिन रात को परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इच्छा प्रकट की कि आपने सोमवंश और सूर्यवंश के बारे में कई राजा महाराजाओं की कथा आपने बताई, चरित्रों के बारे में वर्णन किया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि यदुवंश के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में मुझे सुनने की इच्छा है करके। तो 4th दिन परीक्षित महाराज इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए। तो यह उनका और उसके अंदर दसम संघ के अंदर परीक्षित महाराज प्रथम संघ के अंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कम से कम 6 से 7 प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आए हैं और उन्होंने कौन सी लीलाएँ की, उन्होंने क्यों मथुरा छोड़कर गोकुल के अंदर वास किया। तो इन प्रश्नों का और उन्होंने गोकुल के अंदर आकर के कौन सी लीलाएँ की उसके बारे में विस्तृत रूप में आप मुझे बताइएगा कि मेरी प्रबल इच्छा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी दर्शन संघ के बारे में कृष्ण लीला के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं। मुझे ये जो प्रश्न दिया गया श्रीमद् भागवतम के दर्शन संघ के बारहवें अध्याय के अंदर सुखदेव गोस्वामी अगस्त लीला का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन की बात है, बहुत ही सुंदर सुबह को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सुबह को जल्दी उठ गए और सुबह को जल्दी उठ करके उन्होंने इच्छा प्रकट की कि आज मुझे जल्दी से जल्दी मुझे वन के अंदर जाना है। हाँ, तो उन्होंने सुबह को उठे और जब भी भगवान श्री कृष्ण वन के अंदर जाते थे गैये चराने के लिए और बाल सखाओं के साथ में जाते थे तो उन्होंने इच्छा की कि मुझे आज जल्दी जाना है करके। तो उन्होंने तुरंत मतलब उन्होंने क्या किया, उनके पास में बैल के ऊपर वो सिंह रहता है ना, तो सिंह नाम का वो जो वाद्य था वो उन्होंने जोर से बजाया और वो जैसे सिंह बजाते हैं तो वो सिंह से जितने भी गोल बाल सखाते हैं उनके जो भी मित्र थे उनको वो सिंह सुनाई दिया और उनके माध्यम से यह निर्देश करना चाहते थे सभी गोल सखाओं को कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सुबह को तैयार हो जाना, हम आज सुबह को जल्दी से वन के अंदर जाइए है ना, गोचारण के लिए और वन गमन के लिए जाएंगे। जैसे आजकल स्कूल के अंदर पिकनिक के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हो गई कि हम सभी आज सुबह को जल्दी उठ करके पिकनिक के लिए वन गमन करें। तो केवल उन्होंने सबको पर्सनली इन्विटेशन नहीं दिया था लेकिन उन्होंने सिंह बजाया और सिंह के माध्यम से उनकी आवाज से सभी गोप सखा के उनको पता चल गया कि आज हमको कृष्ण के साथ में सुबह को हमको जल्दी वन गमन के लिए जाना है। तो सभी गोप सखा जल्दी उठ गए और अपनी मैया को कहने लगे कि आप हमको जल्दी से जल्दी टिफिन बना करके दो करके। तो सभी मैया टेंशन में आ गई कि अरे ये तो मतलब वन गमन के लिए रोज लेट जाते थे, आज इतना जल्दी क्यों। लेकिन बच्चों छोटे बच्चे लोग रहते हैं, उन्होंने जीत पकड़ लिया कि नहीं हमको जल्दी जाना है, कृष्ण ने हमको बोला है कि आज सुबह को जल्दी रेडी हो जाना करके। तो सभी मैया ने वो बाल सखा थे उनकी मैया ने सभी बच्चों के लिए अपने अपने बच्चों के लिए सुबह को टिफिन के लिए सुंदर सी रोटी सब्जी वगैरह पूरा टिफिन मक्खन वो पूरा पैक करके उनको दे दिया। और यहाँ पर कृष्ण की मैया ने भी यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए सुंदर से चावल वगैरह बना करके उनको टिफिन में दिए
और सुबह को और उस दिन क्या हुआ कि प्रतिदिन ऐसे बलराम जी कृष्ण के साथ में जाया करते थे, कृष्ण के साथ में। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि बलराम जी उनके साथ में नहीं गए। बलराम जी क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका ये धाम जन्म नक्षत्र था, तो उसके लिए बलराम जी है ना, रोहिणी माता ने बलराम जी को मना किया कि आपका जन्म नक्षत्र है तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी कुछ विधियाँ करनी है, हवन करना है, बाद में स्नान आदि करना है, तो उसके लिए आपको मतलब नहीं जाना है कृष्ण के साथ में। तो उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए है ना, रोहिणी माता ने मना किया था क्योंकि जन्म नक्षत्र था। तो कृष्ण गए और उनके साथ में बहुत सारे जो गोप सखा थे जिनको मतलब निर्देश किया गया था, वह सारे के सारे गोप सखा कृष्ण के साथ में वन गमन के लिए निकल पड़ते हैं। तो कृष्ण जब जाते हैं तो उनके साथ में उनकी गैया थी, नवला गैया थी, सबको लेकर के मतलब गैयों के साथ में, गैया आगे चल रही थी, कृष्ण पीछे चल रहे थे। और जैसे ही कृष्ण अपने घर से नंद भवन से बाहर निकलते हैं तो उसके साथ में कई सारे बाल सखा थे, वो भी वहाँ पे उनके साथ में ज्वाइन हो जाते हैं। श्रीमद भागवतम के अंदर ऐसा वर्णन है कि करीबन 10,000 गोप सखा उसके कृष्ण के साथ में वन गमन के लिए गए थे। और कहते हैं कि उसके साथ में जो गैया थी ना, उसका अगर आप फिगर देखोगे ना तो आप ये जाओगे कि एक के पीछे करीबन 17 किलो लगा है ना, उतनी गैया उस समय कृष्ण के साथ में सब और बाल सखा जो थे ना उसके साथ में थी। तो बहुत ही सुंदर, कभी कभी उनको लगता है कि इतना मतलब एक के पीछे 17 शून्य लगा है, उतनी गैया कृष्णा और बाल बाल के साथ में थी। तो हमको कभी कभी प्रश्न होता है कि यह कैसे संभव है, कभी इतनी सारी गया इतने सारे, और ब्रज वृंदावन तो मतलब हम देखते हैं कि मन के अंदर जाते हैं नंद कौन तो इतना छोटा सा था, लेकिन भगवान जो है ना सब कुछ करने के लिए वो है। भगवान चाहे तो ब्रज को एकदम बड़ा भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा से उनको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो जो चाहे वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो इतनी सारी गैया को लेकर के वन के अंदर जाते हैं, और वर्णन आता है कि जैसे वन के अंदर मतलब जाने के लिए हो गए तो उस समय वो रास्ते में बहुत सारे मतलब वृक्ष वगैरह थे, पहाड़ थे, तो उनसे नदियाँ थी, यमुना नदी से मतलब उनसे गुजर गुजर के जाना होता था। तो सभी गोप सखा एंजॉय करके मतलब नाचते मतलब गाते हैं, और सभी बच्चे लोग के हाथ में टिफिन था, तो उस समय क्या करते, कुछ कुछ बच्चे लोग जो थे ना बाल सखा जो थे ना एक दूसरे का टिफिन उड़ा लेते थे। और आज हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोगों ने देखा होगा कि मतलब स्कूल के अंदर जब हम पढ़ाई के लिए जाते थे तो जब भी मतलब ब्रेक होता है तो मतलब किसी का कुछ रुमाल से उड़ा लिया और बाद में उसको पता भी नहीं रहता, और जब भी उसको पता चलता है कि मेरे जेब से कुछ सामान गायब हो गया तो इधर उधर देखने लगता है, तो पता चलता है कि किसी ने मेरा रुमाल चुराया है, तो वो पकड़ भी लेता कि इस व्यक्ति ने मेरा रुमाल चुराया है, इस बच्चे ने मेरा रुमाल चुराया है। तो बच्चा क्या करता है, उस रुमाल को उठा करके दूसरे को दूसरे दोस्त के हाथ में दे देता है, दूसरा किसके के हाथ में देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और उनके जो गोप सखा थे इस प्रकार से मतलब आनंद ले रहे थे कि किसी का बाल सखा का गोप सखा का टिफिन ले लिया। हाँ, और उस समय जो माता ने जो टिफिन बांध के दिया था ना, वो एक सफेद कलर के कपड़े के अंदर बांध करके दिया था। तो क्या करते थे गोप सखा, मतलब किसी का टिफिन छुड़ा लिया और उसको दूसरे बाल सखा के हाथ में फेंकते थे, दूसरा किसी के हाथ में फेंकते थे। तो इस प्रकार से जब भी होता था तो वो जिसका टिफिन छुरा लिया है तो वो जो बच्चा जो था ना, वो जो जो टिफिन का मालिक है ना, जो स्वामी है, उसको बहुत ही दुख होता था कि अरे मेरा टिफिन मतलब किसी ने छुरा लिया, वो रोने जैसा हो जाता था। तो यह घटना देख करके जो गोप सखा थे उनका टिफिन वापस दे देते थे, हंसते हुए वापस दे देते थे। तो इस प्रकार से लीला होती थी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जब भी गए थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकार पहने हुए थे, और लाल पीले कलर के पुष्प से उन्होंने अपना श्रृंगार किया हुआ था, क्योंकि वन गमन में जा रहे थे, मन की तरह शोभायमान थे भगवान श्री कृष्ण। और गए आगे, और क्या होता था कि वहाँ पे जंगल में जब भी जाते थे तो उस समय बीच में बहुत सारे पशु पंखी भी आते थे, है ना। तो कुछ लोग क्या करते थे, कुछ वो बाल सखा जो थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल की आवाज आती इस प्रकार से, तो यह गोप सखा भी क्या करते थे, कोयल की आवाज की तरह मतलब आवाज निकालते इस प्रकार से। बाद में रास्ते में देखते थे मेंढक, नदी आती थी तो नदी के अंदर मेंढक रहते थे, तो मेंढक क्या करते हैं पानी के अंदर ऐसे जंप मारते थे, तो यह गोप सखा भी क्या करते थे मेंढक की तरह जंप मारते थे इस प्रकार से। जैसे वो पशु मतलब मेंढक करता था उसी प्रकार से वो कृष्ण भी क्या करते थे, उस मेंढक को देख करके ऐसे छलांग लगाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे वो पानी है नदी आया तो नदी के अंदर अपना ही प्रतिबिंब वो वहाँ पे दिखता था,
और उस प्रतिहीन को देख करके सभी गौ सखा बहुत खुश होते हो जा रहे हैं और अपना ही प्रतिहीन देख करके हंसते थे जोर जोर से। और इस प्रकार से मतलब क्रीड़ा चलती थी। और कभी कभी रास्ते के अंदर है ना वो बतख वगैरह आते थे, तो बतख को देख करके सभी गौ सखा उनकी चाल से मतलब चलने लगते थे। तो इस प्रकार से रास्ते में मतलब उनका सफर हुआ, सब लोग एंजॉय करते हुए मतलब रास्ते में वन गमन के लिए गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह आई, वहाँ पर सभी लोग गौ सखा और कृष्ण वगैरह एक जगह पे मतलब वहाँ पर एकत्रित हुए। और बाद में क्या हुआ कि सब लोगों ने देखा कि वहाँ पे जिस जगह पर वो एकत्रित हुए थे जिस वन के अंदर, तो उस वन के थोड़े ही दूर वहाँ पे एक अगासुर नाम का जो राक्षस जो था जिसको कंस के द्वारा भेजा गया था। कंस ने क्यों भेजा था? कंस ने अगासुर को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। और यह जो अगासुर जो था, अगासुर के पहले बकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। तो बकासुर का वध किया था, तो बकासुर जो था ना, बकासुर और उसके पहले पुतना का वध किया था। तो यह पुतना और बकासुर जो था ना उसका छोटा भाई क्या था? अगासुर था। तो अपनी बहन और भाई का बदला लेने के लिए अगासुर वहां पर कृष्ण को मारने के लिए वहां पर उपस्थित हो गया था। तो अगासुर का शरीर इतना बड़ा, उन्होंने विस्तृत रूप से मतलब वो मायावी था, वो अपना रूप कभी भी बदल सकता था। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां पे उस जंगल के अंदर उसने अपना शरीर कम से कम एक योजन जितना और एक योजन पर्वत के समान उन्होंने अपना शरीर को विस्तार से उसने बढ़ा दिया था। और अपना जो मुंह जो था ना इतना बड़ा कर दिया था, जैसे होठ रहते हैं तो उसका एक होठ जो था ना पृथ्वी को स्पर्श था और दूसरा होठ जो था ना आसमान को छू रहा था, ऐसा मतलब इतना बड़ा करके उन्होंने मुंह खोल करके बैठ गया था। और प्रतिदिन गौ सखा कृष्ण मतलब वन गमन में जाते थे, लेकिन आज तक ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। तो वो जितने भी बाल सखा थे वो उनको इस अद्भुत दृश्य को देख करके अट्रैक्शन हो गया। जैसे मतलब बच्चे लोगों को हम मतलब सर्कस में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग अलग मतलब चित्र को देख करके उसके प्रति मतलब आकर्षित हो जाते हैं, तो वहाँ पे भागने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी बाल सखा जो होते हैं वो इस अद्भुत मतलब दृश्य को देख करके वहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, गैये वगैरह वो जितने भी बाल सखा जो होते हैं अपनी गायों को लेकर वहाँ पर उस दृश्य को देखने के लिए गए कि आज मतलब क्या है, मतलब अचानक क्या हो गया। तो वो वहाँ पर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी गायों के साथ में खड़े थे और सारे के सारे बाल सखा गैया वो अगासुर जो था ना उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। और उनको यह लग रहा था कि कुछ स्टैचू है वो, हालांकि वो जो अगासुर जो था अजगर का रूप धारण किया हुआ था, वो सखा को लगा कि यह कुछ स्टैचू करके हैं बहुत ही सुंदर हम लोग को अट्रैक्शन दे रहा है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो पता था कि यह मतलब कोई स्टैचू नहीं है, लेकिन यह तो साक्षात क्या है, अगासुर है, असुर है और हमको मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन बच्चे को रोके, बाल सखा को रोके, उसके पहले ये सारे के सारे बाल सखा जो थे ना वो अगासुर के अंदर चले गए थे। और वो अगासुर की जो मतलब इतना लंबा शरीर था, तो जैसे वो गुफा के मतलब तरह दिखा था, अंदर अंदर जाते रहे तो उनकी जो अगासुर की जो जीभ जो थी ना इतनी लंबी थी, लाल कलर की थी और ऐसा लग रहा था कि मानो लाल कलर का पत्थर का सड़क जो बना हुआ है ना, हाँ उस प्रकार से उसकी जीभ थी, जैसे यहाँ पर ये जो बिछाया हुआ है ना, तो उस प्रकार से उनको लगा कि ये तो मतलब एक सड़क एक रास्ता है लाल कलर का पत्थर का। तो वो जाते गए और उनको देख करके बहुत आनंद हो रहा था कि अंदर क्या है, अंदर क्या है, और गुफा जैसा लग रहा था। वो अंदर जाते गए और उस समय क्या हुआ कि वो अगासुर जो था ना उसको पता चला कि सारे के सारे बाल सखा और बच्चे जो थे ना हमारे मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गए हैं, अभी कौन बाकी है, केवल अकेले कृष्ण बाकी है। तो वो कृष्ण की राह देख रहा था और उसके अंदर मतलब इतना क्रोध था ना और वो इतना शक्तिशाली था कि उसके अगासुर से देवता लोग जो थे ना वो जो प्रतिदिन अमृत का पान करते हैं वो देवता लोग भी जो था ना उससे अगासुर से डरते थे, उनको डर लग रहा था अगासुर से, बहुत परेशान करके रखा था इस असुर ने। तो देवता लोग भी मतलब उसे डरते थे। और जैसे ही वो अगासुर के अंदर सब सारे देवता लोग और सब बच्चे लोग अंदर चले गए, तो तभी अगासुर राह देखा था कि कृष्ण कभी हमारे मुंह के अंदर आए और कृष्ण जैसे आए मैं मेरा मन कर दूंगा और सभी लोगों को मार दूंगा। तो इस प्रकार से
क्या हुआ कि कृष्ण भी मतलब कृष्ण ने देखा कि मेरे जितने भी मित्र लोग थे बाल सखा थे बच्चे थे सब अगासुर के मुंह के अंदर चले गए हैं और मुझे मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसकी रक्षा करना करके और वहाँ पे भोग सखा जब अंदर जा रहे थे तभी उनको कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा था और वो बातें कर रहे थे कि यह वास्तविक में यह जो है ना कैसा लग रहा था वो जो स्टैचू जो था ना ओरिजिनल अजगर की तरह लग रहा था तो बातें भी कर रहे हैं कि इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं बाद में उनका ये जो सड़क जो है ना वो जीव के समान है बिल्कुल अजगर की तरह दिख रहा है करके लेकिन सब लोग इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं और बाद में जब कृष्ण को पता चला कि यह अभी जो है अजगर जो है ना इनको छोड़ेगा नहीं करके तो धीरे धीरे कृष्ण ने क्या किया वहाँ पे बाल सखाओं की रक्षा करने के लिए वह खुद भी अंदर चले गए और जैसे ही मतलब अंदर गए हैं तो अगासुर ने क्या किया कि तुरंत अगासुर को पता चला कि कृष्ण भी अभी मेरे आटे में आ गया है तो तुरंत उन्होंने अपना जो मुंह जो था ना वो तुरंत बंद किया और जैसे मुंह बंद करते हैं तो उसमें से गर्म गर्म हवा निकल रही थी इतनी तेज गति से हवा निकल रही थी तो वो हवा से उनको मतलब अजगर जो सांस लेता है ना तो गर्म गर्म हवा निकल रही थी तो उसे जितने भी गोप सखा और बछड़े जो थे ना वहाँ पर ही मूर्छित हो गए और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे जो सखा है और बछड़े जो है ना वो मूर्छित हो गए हैं करके तो उसी समय भगवान को बहुत क्रोध आया और ऊपर से देवता लोग यह दृश्य देख रहे थे देवता लोग टेंशन में मतलब आने लगे कि हाय हाय कृष्ण भी अंदर चले गए करके और देवता लोग भी हाहाकार मचाने लगे और देवता लोगों की हाय हाय सुन करके कृष्ण ने मतलब तुरंत क्या किया अपना जो स्वरूप जो था ना बाल स्वरूप जो था उसको एकदम बड़ा कर दिया और जैसे ही कृष्ण ने मतलब अपना शरीर बड़ा करते गए तो वो जो अगासुर जो था ना उसको बहुत ही कष्ट होने लगा और उसका जो गला जो था ना वो रुद्र हो गया और बाद में क्या कृष्ण ने और भी अपना शरीर जो है ना बड़ा किया और जैसे ही कृष्ण अपना शरीर बड़ा करते हैं तो उसी समय से अजगर का ये जो था ना शरीर पूरा फट जाता है और अजगर के शरीर में से फट करके वहाँ पे उनकी जो आत्मा जो है ना वो निकल जाती है और उस समय आकाश में सारे देवता देख रहे हैं कि अजगर का मतलब क्या है ये हो गया मृत्यु हो गई है और सारे देवता लोग बहुत ही खुश हुए और उस समय कृष्ण ने केवल अपने जो उनके मित्र जो थे मूर्छित अवस्था में हो गए थे तो कृष्ण ने क्या किया केवल अपनी दृष्टि से उनको देखा और उनको केवल जैसे ही कृष्ण की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो सारे के सारे वो सखा जो था वापस जीवित हो गए तो यह दृश्य हुआ और उसी समय क्या हुआ कि वहाँ पे अजगर से जैसे मतलब आत्मा निकली अगासुर मतलब अजगर का रूप लेकर के आया था तो उनकी आत्मा जैसे निकलती है तुरंत वो कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो जाती है तो उस समय वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनको सारूप्य मुक्ति मिली है ना देखते हैं कि इतना बड़ा जो पापी जो था अजगर अगासुर इनकी मुक्ति मतलब इतनी जल्दी कैसे हो गई वो तो बहुत बड़ा पापी था असुर था है ना तो उसकी मुक्ति इतनी तुरंत कैसे हो गई क्योंकि उस अगासुर को भगवान के द्वारा स्पर्श मिला भगवान का स्पर्श होने मात्र से उनका क्या हो गया उद्धार हो गया तो इस प्रकार से हुआ क्या कि उनकी आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण के अंदर चली गई करके और यहाँ पर आचार्य जी गोस्वामी जो है ना टीका के अंदर बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि भगवान ने उखल बंधन लीला की बकासुर का वध किया है ना उखल बंधन की तो उसके अंदर मतलब भगवान ने कुछ अपना शरीर बड़ा किया या कुछ ऐसा किया ऐसा कुछ नहीं किया केवल मतलब अपने हाथों से मारा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अगासुर जो था उसके मतलब शरीर के अंदर जा करके मतलब ये किया तो देखते कि उखल बंधन के अंदर भी भगवान ने लीला की तो गोपियों को जो आश्वासन दिया तो गोपियों का वहाँ पे माधुर्य भाव था तो माधुर्य भाव वहाँ पे प्रकट किया तो गोपियों की इच्छा थी कि भगवान जो है ना हमारे साथ में माधुर्य लीला करे तो उनको खुश करने के लिए भगवान ने मतलब यह किया लेकिन अगासुर जो था ना वहाँ पे भगवान को कुछ भी ऐश्वर्य प्रकट नहीं करना था कुछ भी माधुर्य भाव प्रकट नहीं करना था हाँ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया किसी मतलब अगासुर को केवल मुक्ति प्रदान करना था तो उनके शरीर में से झा करके मतलब उन्होंने क्या किया उसका उद्धार कर लिया और वहां पर क्या हुआ कि अगासुर का वध किया ना तो भगवान ने उनके शरीर में झा करके वध किया और बाकी सब जितने भी असुरों को मारा ना बाहर से मारा लेकिन यहाँ पर क्या है अगासुर का वध किया भगवान कृष्ण खुद उसके शरीर के अंदर जा करके उनका वध किया तो इसके लिए भगवान का स्पर्श पूर्ण रूप से स्पर्श होने के बाद उनको अगासुर को क्या हुआ सारूप्य मुक्ति प्रदान तो यह जीव गोस्वामी पाठ बहुत ही सुंदर टीका के अंदर लिखते हैं और कहते हैं कि यह जो अगासुर जो था ना अगले जन्म में उसका मैं नाम भूल गया हूँ
तुमको अष्टावक्रा मुनि का श्राप मिला था, है ना। ये जो अगस्त्य जो था ना, अगले जन्म में बहुत ही मतलब शक्तिशाली था और बहुत ही रूपवान था। तो एक बार क्या हुआ कि हम जा रहे थे अष्टावक्रा मुनि रास्ते से, तो उस समय ये जो अगस्त्य जो था ना, अब नाम का था, अब नाम का दैत्य था, अब ना अगले जन्म पूर्व जन्म में अब नाम का दैत्य था, तो बहुत ही शक्तिशाली था और रूपवान था। तो रास्ते में जब अष्टावक्रा मुनि जा रहे थे, अष्टावक्रा यानी वो आठे अंगों से टेढ़े थे, तो उनको देख करके मतलब वो जो जो से हंस पड़ा अष्टावक्रा मुनि के ऊपर। तो उनको बहुत ही अष्टावक्रा मुनि को बहुत ही क्रोधित क्रोध हुआ है कि तुम मेरे ऊपर मतलब मेरे रूप को देख करके हंस रहे हैं, जा तुमको है ना अगले जन्म में सर्प अजगर बनना पड़ेगा। हाँ, तो उस अष्टावक्रा मुनि का उनको श्राप मिला था। बाद में उनका श्राप जैसे मिला, या जो अब नाम का जो दैत्य जो था ना, वो बहुत ही मतलब उनसे प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और बहुत ही स्तुति करने के बाद में अष्टावक्रा मुनि ने उसके ऊपर कृपा की कि मैं मेरा श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल के ऊपर आए हैं, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मृत्यु जो है ना उनके हाथों से होगी, और जब भी तुम्हारी मृत्यु उनके हाथों से होगी, तुमको सारूप्य मुक्ति जो है ना तुमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अगस्त्य का मतलब उद्धार हुआ। तो हम यहाँ पर हमारी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।